हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिकअप ट्रीटमेंट के बारे में, यानी हिचकी के इलाज के बारे में। जनरली हमें या हमारे घर में किसी को भी अचानक से हिचकी चलने लग जाती है, तो उसी के इलाज के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे वास्तव में हिचकी होती क्या है, ये आती क्यों है, इससे किस प्रकार से रोका जा सकता है और इसको रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिचकी की बात करते हैं तो यह डायफ्राम के मसल्स में इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन है, जिसे हम संकुचन कहते हैं। डायफ्राम बॉडी का वह पार्ट है जो कि लंग्स के जस्ट नीचे की साइड में होता है और यह सांस लेने में हेल्प करता है। और इस डायफ्राम के इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो गले में उपस्थित वोकल कार्ड है वो बार बार बंद हो जाती है, और इस वोकल कार्ड के बंद होने के कारण जो गले में से हिचकी आवाज आती है उसे हम हिचकी कहते हैं। हिचकी आने के कारण की बात करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है तो उसको भी हिचकी आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर ईटिंग करता है तो उसको भी हिचकी आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति कार्बोनेट लिक्विड ले रहा है, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक या सोडा कहते हैं, तो उससे भी हिचकी आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक ले रहा है और उसके थोड़ी देर बाद चाय या कॉफी लेता है, तो उसको भी हिचकी आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उस व्यक्ति को भी हिचकी आ सकती है। डायफ्राम के नर्व में इरिटेशन होने के कारण भी हिचकी आ सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस बन रही हो या पेट में ब्लोटिंग हो रही हो तो उस व्यक्ति को भी हिचकी आ सकती है। और साथ ही दवा के कुछ साइड इफेक्ट के कारण भी हिचकी आ सकती है। तो ये सभी अलग अलग कारण हैं जिससे व्यक्ति को हिचकी आ सकती है, और जब हिचकी शुरू हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय का इस्तेमाल करते हैं। और यदि घरेलू उपाय करने के बावजूद भी यदि हिचकी बंद नहीं होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले हम घरेलू उपाय के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में जानेंगे। घरेलू उपाय की बात करते हैं तो जब किसी व्यक्ति को हिचकी शुरू हो जाती है तो उस समय व्यक्ति को थोड़ी देर सांस रोककर सांस छोड़ने की प्रक्रिया को बार बार करना चाहिए। यानी कि पहले लंबी सांस ले और उसे होल्ड करके रखे और थोड़ी देर बाद उसे रिलीज करें। यह जो प्रक्रिया है इसे बार बार करें, इससे हिचकी आना बंद हो सकती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें आप एक गिलास ठंडा पानी लें और उसे सिप सिप करके पिए, या जो गिलास है उसको कपड़े से बंद कर दें और उस पानी को खींच खींच कर पिए, जिससे कि आपकी हिचकी बंद हो जाती है। यदि आपको हिचकी चल रही हो और उस समय एक चम्मच शक्कर खाने से जो वेगरनेस है वो एक्टिव हो जाती है, जिससे कि हिचकी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। पेपर बैग की सहायता से भी हिचकी को रोका जा सकता है। पेपर बैग के अंदर मुंह को डाले और जोर जोर से सांस ले, जिससे कि जो बैग में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और हिचकी आना बंद हो जाती है। ठंडा पानी का गरारा करने से भी हिचकी रुक जाती है। साथ ही जो आपका जो डायफ्राम होता है, जो कि लंग्स के नीचे की साइड होता है, उसको नीचे की तरफ दबाने पर भी आपकी जो हिचकी है वो बंद हो जाती है। और यदि यह सभी प्रक्रिया करने के बावजूद भी यदि आपकी हिचकी नहीं रुकती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वैसे हिचकी चलने पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिचकी चलती है तो उसके जो डायफ्राम है उसमें दर्द तथा सूजन की समस्या हो सकती है, जो वोकल कॉर्ड है उसमें दर्द हो सकता है, तो इसीलिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर द्वारा हिचकी को रोकने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से 2 से 3 प्रकार की अलग अलग दवाइयां दी जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट, जिसे आप बेक्लोफेन टेबलेट के नाम से जानते हैं। और यह टेबलेट लेने पर डायफ्राम के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है और जो कॉन्ट्रेक्शन है वो भी रुक जाता है। और यह टेबलेट साइकोट्रिक होने के साथ साथ मसल्स रिलैक्सेंट भी है, इसलिए इस टेबलेट का यूज हिचकी को रोकने के लिए भी किया जाता है।
जैसा कि हमने जाना था कि पेट में गैस बनने के कारण तथा पेट में ब्लोटिंग होने के कारण यदि हिचकी चलती है तो उसके ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा पेंटापेराजोल तथा डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है, जिससे कि जो पेट में गैस बन रही है वो भी कम हो जाती है और जो डायफ्राम पर खाए हुए खाने के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो भी कम हो जाता है और हिचकी बंद हो जाती है। और एंटासिड सिरप भी दी जाती है जिसे आप डाइजिन सिरप के नाम से जानते हैं, और यह सिरप भी दी जाती है जिससे कि पेट का जो एसिड है उसका न्यूट्रलाइज हो जाए और व्यक्ति की हिचकी बंद हो जाए। इस प्रकार ये सभी दवाइयाँ देकर हिचकी को रोका जाता है। वैसे तो इन सभी दवा को लेकर एक दिन में हिचकी को बंद करके दवा को भी एक दिन में बंद कर दिया जाता है, लेकिन यदि आपकी फिर भी हिचकी नहीं रुकती है तो आपको डॉक्टर द्वारा 2 से 3 दिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको कितनी भी हिचकी चले आप घबराए नहीं, जो आपको तरीके बताए हैं उसका इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी हिचकी रुकी जा सके। और यदि फिर भी आपकी हिचकी नहीं रुकती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हिचकी के ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।